लगते हैं, और इसमें सुराख करने के लिए एक मशीन होती है, मशीन में लगाई जाती है इसको साइज के। ये पड़ेगा आपको 100 रुपए का, ये 120 रुपए का। ये क्या कहते हैं? टप हैंडल, इसको ये टर्निंग करते हैं इससे। ये पड़ेगी आपको 80 रुपए की, 100 रुपए की। इसमें नंबर डालते हैं, 1 2 3 से लेके वो ABCD आता है, ये पूरा सेट आता है इसमें। ये हैमर मशीन में काम आती है, हैमर हैमर का हैमर कवर में पकड़ा जाता है इसे। बहुत सारी आइटम है, रिवॉल्विंग सेंटर है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे सेंटर है, रिवॉल्विंग सेंटर है, ये 500 रुपए का पीस आता है। ये मतलब जैसे 150 सूत है, 125 सूत है, 1 सूत है, 4 MM, 5 MM, 10 MM है, इस तरह का साथ। ये मीना बाजार बोलते हैं, मीना बाजार जामा मस्जिद बैक साइड, हाँ बैक साइड, दो नंबर गेट के पास। 1000 रुपए KG है, 1000 रुपए किलो है ना। और अगर 31 लोग है तो तोल से पता चल जाता है कि इसे 1500 का भी है, 800 का भी है। हाँ ये महंगा पड़ता है ये हमारे पास जो आता है तो सस्ता ही आता है। अगर नया लेने जाओ तो यही 120 रुपए का। ये फ्लैग व्हील बोलते हैं इसको, फ्लैग व्हील, ये रेगमाल की शान बोलते हैं इसको हम। अच्छा मतलब इसे घिसाई से काम आता है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेके आ गया हूँ टूल्स मार्केट में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे आपको यहाँ टूल्स मिल जाएंगे, सारी रेंज मिल जाएगी आपको टूल्स की। पूछा था ये सेकंड हैंड और नए दोनों होते हैं या कैसे होते हैं? ये सेकंड हैंड होते हैं, फैक्ट्री से निकला हुआ। अच्छा ये सेकंड हैंड होता है ना, फैक्ट्री से निकला हुआ माल होता है, तो रेट भी अच्छे मिल जाते होंगे यहाँ पे, है ना? और जगह के जाते हैं तो यहाँ पे आपको दोस्तों सेकंड हैंड माल होता है ये, तो आपको यहाँ पर किलो के हिसाब से भी मिल जाएंगे, पीस के हिसाब से भी मिल जाएंगे। तो आप लोग सारा देख सकते हैं, इस टाइप के आपको यहाँ पे टूल्स भी मिल जाएंगे। तो सब आपको मैं आपको रेट बताऊंगा, तो उस हिसाब के आपको बिट्स मिल जाएंगी, सारी बिट्स मिल जाएंगी। तो अभी आपको मैं सारे रेट बताने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भी भाई चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूँ। लगते हैं और इसमें सुराख करने के लिए एक मशीन होती है, मशीन में लगाई जाती है इसको। क्या बोलते हैं? दिल चक। और बता रहे कुछ आइटम बताते हैं। ये टप हैंडल है, इससे टप पकड़ के चुड़ी डलती है। ये कितना पड़ेगा? ये 100 रुपए का है। इसमें एक साइज ही आते हैं टप हैंडल, ये आले छोटे और बड़े सब साइज के। ये पड़ेगा आपको 100 रुपए का, ये 120 रुपए का। ये क्या कहते हैं? टप हैंडल, इसको भी टप हैंडल कहते हैं ना। ये टूल बिट है, ये खराब पे लगती है, टर्निंग करते हैं इससे। ये पड़ेगी आपको 80 रुपए की, 100 रुपए की, इस तरह की अलग अलग रेट है। 3 सूत भी है, आधी इंची भी है। ये टप है, टप है, ये चूड़ी डालता है। ये पड़ेगा आपको 150 रुपए का पीस। क्वांटिटी में फिर मतलब किलो से, किलो किलो के हिसाब से दे देंगे। और कोई आइटम ये देखिए आप, ये लंबर पंच आता है जिसमें लंबर डालते हैं। अच्छा 1 2 3 से लेके वो ABCD आता है। अच्छा। ये पूरा सेट आता है इसमें। जैसे ये 150 रुपए का है तो ये 3 27 पीस है, ये 9 पीस है। अच्छा। 9 पीस के हिसाब से ये पड़ेगा 150 का, तो 1500 या 4500 रुपए का ये पड़ेगा। ये 150 रुपए का पड़ेगा। ये जैसे ये रखा है, ये जैसे पैकेट में रखा है, ये उसका है क्या नाम है, सॉकेट दिलचक में लगती है। अच्छा। जैसे ये सॉकेट लगा रखी है हमने, ये हैमर मशीन में काम आती है, हैमर का वर्म पकड़ा जाता है इसे। इसे दिलचक बोलते हैं, हैमर दिलचक। ये पड़ेगा 120 रुपए का। और बहुत सारी आइटम है, रिवॉल्विंग सेंटर है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे सेंटर है, रिवॉल्विंग सेंटर है, ये 500 रुपए का पीस आता है। ये खैरात पे लग के सीधा पकड़ने के लिए देखते हैं इसको, यूं करके सीधा पकड़ा जाता है, चीज सीधी पकड़ी जा रही नहीं। ये दिल दिल है, ये मतलब जैसे 150 सूत है, 125 सूत है, 1 सूत है, 4 MM, 5 MM, 10 MM, इस तरह का साथ होता है। सारे साइज होते हैं ना? सारे साइज होते हैं। क्या लगभग क्या रेट से स्टार्ट होते हैं और क्या रेट तक होते हैं? ये जैसे 1 सूत का वर्मा है 10 रुपए का है, 125 सूत का है 12 रुपए का, 150 सूत का है 15 रुपए का, इस तरह हिसाब से बढ़ते रहते हैं। ये मीना बाजार बोलते हैं, मीना बाजार जामा मस्जिद बैक साइड, हाँ बैक साइड, दो नंबर गेट के पास, दो नंबर गेट के पास। ये 1000 रुपए KG है, 1000 रुपए किलो है ना। और अगर 31 लोग है तो तोल से पता चल जाता है कि इसे 1500 का भी है, 800 का भी है, 1000 का भी है, 400 का भी है, 300 का भी है, 250 का भी है।
डेढ़ सौ का भी है। ये क्या होता है? ये वाला ये कटर बोलते हैं इसको। ये कटर लगता है क्या ना खराद पे, इसको टर्निंग करते हैं, मारते हैं, मतलब कोई चीज बनाते हैं तो कटाई करते हैं। ये डिल क्या के हैं? ये डिल मशीन, ये मतलब डिल डिल बोलते हैं इसको, डिल बर्मा जिसे बोलते हैं हम। ये जो मतलब दिखाई है ना, ये पिन वाइज जिसको डिल चक बोलते हैं, इसमें सब साइज के बर्मे लगते हैं आधी इंची तक। फिर ये खैरात में काम आते हैं सब, ये बस साइज। ये रेखमाल रेखमाल है, हमारे पास ऐसा होता है किलो के भी हिसाब से, पीस के भी हिसाब से। नया जो रेखमाल है हमारे पास 200 रुपए किलो है, पुराना 100 रुपए किलो है। ये कटिंग व्हील बोलते हैं इसको, ये काटने के लिए काम आता है माल, मतलब जैसे कोई पीस काटना है तो ये कटिंग व्हील बोलते हैं इसको। ये किलो से भी देते हैं, पीस से भी देते हैं। 20 रुपए का पीस है, 50 का भी पीस है। ये हमारे पास ये पीस आया हुआ, ये 70 रुपए का पीस आया हुआ नया पीस। ये 14 इंची का पीस है। ये 70 रुपए का एक पीस है, 14 इंची कटिंग। हाँ, पाइप काटने के लिए कुछ भी काटने के लिए एंगल। हाँ हाँ, ये महंगा पड़ता है। ये हमारे पास जो आता है तो सस्ता ही आता है, अगर नया लेने जाओ तो यही 120 रुपए का। ये फ्लैग व्हील बोलते हैं इसको, फ्लैग व्हील। ये रेखमाल की शान बोलते हैं इसको हम। अच्छा, मतलब इसे घिसाई से काम आता है? हाँ, ये मतलब घिसाई की रंग वंग साफ करना। ये ब्रेड सारे साइज के साथ रेट हैं जी जी। क्या ये मतलब ऐसा आता है, 20 रुपए से लेके आपको 40, 50, 70, ऐसे बड़ा हो गया तो 70 का है, इससे छोटा जो है ना 25 का, 30 का, 40 का, 50 का, इस तरह। हाँ, ये कटिंग व्हील है। ये मतलब ऐसा है, ये एक पीस की कीमत है 10 रुपए। हाँ, ये पूरा बंडल पड़ेगा आपको 1500 रुपए का, 150 पीस का है। हाँ, बारिश से लेके मोटर तक रेखमाल सब साइज के होते हैं। जैसे 2 इंची का रेखमाल लेगा तो 100 रुपए का किलो है, और पट्टी लोगे तो एक पीस 20 रुपए की है। शान वान सब मिल जाती है। ये मैट बोलते हैं इसको, ये मतलब जैसे कोई जंग वंग लग जाए तो फिनिशिंग के लिए काम आता है, इसे मैट बोलते हैं। क्या भाव, क्या भाव मिलता है? ये 200 रुपए किलो से लेके 300, 350 रुपए किलो तक। ये वही वाले ग्रेड है ना? हाँ, ये रेखमाल के वो है, फ्लैग व्हील रेखमाल। ये 100 पीस का बंडल हम 700 रुपए का देते हैं, 700 रुपए का एक बंडल। ये 200 रुपए किलो नया माल, ये नया लेग माल बोलते हैं इसको, 200 रुपए किलो जी। यहाँ पर शॉप वाले बंदे भी आते हैं, उनके शॉप के लिए काम करते हैं। देखो, ये ऑयल में गन है, गन। ये हवा के लिए होते हैं, प्रेशर के लिए। कार्ड तो नहीं लंबा था, बस अभी कार्ड बनवाएंगे उसका। कार्ड बनने वाला है हमारा, आ जाएगा कार्ड एक आध दिन में। नहीं, तो सिर्फ भाई ये नंबर है हमारा, ये वाला नंबर है आपका। हाँ, नंबर आगे कोई आना चाहेगा तो यहाँ तक। हाँ, तो आ जाएगा, कोई बात नहीं। ये कोई बच्चे का नंबर है, कोई बात नहीं। आपको अरे इनको भी फोन कर देगा तो पता चल जाएगी। हाँ, ये तौसिफ भाई, ये टप है चूड़े डालने, ये बर्मा है। ये सेंटर डील। हाँ, ये सब साइज के आते हैं, ये मोटा इससे भी पतले आते हैं, 204 mm, 5 mm, 10 mm। ये कटर है, कटर होल कटर है।
धन्यवाद।